कानपुर से पहले एक बड़ा अपडेट दे दें आपको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग का दूसरा दिन है। असदुद्दीन ओवैसी और अरशद मदनी ने भी मीटिंग में शिरकत की है। मीटिंग में मुसलमानों के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, निकाह को आसान बनाने पर भी चर्चा की गई। निकाह में फजूल खर्ची को रोकना इस मीटिंग के एजेंडे में शामिल रहा। मीटिंग में बोर्ड के खाली पड़े अहम ओहदों के लिए इंतखाब पर भी बात हुई। बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त का। कानपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम मीटिंग हुई कानपुर में। इसमें AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना अरशद मदनी ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में निकाह को आसान बनाने पर गौर खोज किया गया और बोर्ड में खाली पड़े ओहदों पर इंतखाब के लिए भी चर्चा की गई। निकाह के दौरान होने वाली फजूल खर्ची को रोकने के लिए भी मीटिंग में गौर खोज किया गया। आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है।